रायपुर में 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच होना है। इसके लिए थोड़ी देर में दोनों टीमों के खिलाड़ी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। होटल कोचार्ड मैरियट में ये खिलाड़ी ठहरेंगे। एयरपोर्ट और स्टेडियम से लेकर होटल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 30 नवंबर को खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन होगा। ये बड़ी खबर हम आपको मैच से संबंधित बता रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे खिलाड़ी। 30 नवंबर को प्रैक्टिस सेशन रखा गया है होटल कोचार्ड मैरियट में। ये सभी खिलाड़ी ठहरे हुए हैं, कुछ ही देर में पहुंचेंगे एयरपोर्ट। 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच होना है। और अधिक जानकारी के साथ दिलीप साहू जुड़ गए हमारे सहयोगी। दिलीप, जिस तरह से देखे जाए कि जो वो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ, उसमें जो भारत को निराशा हाथ लगी, तो अब इन मैचों से भारत को बड़ा उम्मीद है कि शायद अब ऑस्ट्रेलिया से कहीं ना कहीं बदला लिया जाएगा, तो इसलिए काफी ज्यादा उत्साह पहले से ही लोगों में है। क्या कुछ अपडेट है कि खिलाड़ी पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, कहां ठहरेंगे, कब तक रुकेंगे? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच खेला जा रहा है। इसका चौथा मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट का नजारा है, हमारे कैमरामैन देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी जो खिलाड़ी है, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम के खिलाड़ी रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं। थोड़ी देर में ही वे बाहर निकलेंगे और उनको ले जाने के लिए देख सकते हैं लग्जरी बस यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा के कड़ी इंतजाम है, तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं। और सभी जो दर्शक है, इनके चाहने वाले खिलाड़ियों के, वो भी बड़ी तादाद में एयरपोर्ट में चारों तरफ मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो खिलाड़ी के अटेंडर्स है वो आए हुए हैं और BCC की ओर से सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई गई है। 2 स्पेशल लग्जरी बस यहां पर है। ये पहला जो सामने को जो तस्वीर दिख रही है, सामने में जो बस है वो इंडिया के खिलाड़ियों के लिए। इसके अलावा पीछे जो बस है उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है। और दोनों बसों में सवार होकर थोड़ी देर में ही खिलाड़ी बाहर निकलेंगे और दोनों बसों में सवार होकर उन्हें जो निजी होटल है कोर्टयार्ड मैरियट, वहां उनके ठहरने की व्यवस्था रखी गई है, वहां वे ठहरेंगे। और कल फिर प्रैक्टिस मैच होगा, वहाँ प्रैक्टिस अभ्यास के लिए जाएंगे स्टेडियम में। और इस तरह से जो खिलाड़ी हैं प्रैक्टिस करेंगे और 1 दिसंबर को जो मैच होगा वो उस मैच में शामिल होंगे। यह मैच क्योंकि चौथा मैच है इस सीरीज का, 2 मैच इंडिया जीत चुकी है और 1 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, तो चौथा मैच है। लोगों में खासा उत्साह है, दर्शकों में खासा उत्साह है। और इसके पर्पस जिस तरह से रायपुर में हम देख रहे हैं, लगातार जो सीट जो टिकटों के विक्रय हो रही है ऑनलाइन, और उसके लिए ऑफलाइन जो इकट्ठा करने के जो जिस तरह से उत्साह दिख रहे हैं लोगों में, हालांकि रेट को लेकर लगातार भी ये सवाल उठते रहे कि यहाँ के जो टिकट दर है वो दूसरे जगह से ज़्यादा निर्धारित किए गए हैं। यहाँ शुरुआती दर ही 3,500 रुपये तय किए गए हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों ने दिखाई है। लेकिन जिस तरह से ये जो मैच है वो काफ़ी रोमांचक होगा निश्चित तौर पे। जिस तरह से देखें हम लोग, लगातार 3 मैच हाई स्कोरिंग मैच रहा है। यहाँ भी जो मैच होगी उससे भी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ भी हाई स्कोरिंग मैच होगा और दर्शकों का खासा मनोरंजन होगा, दर्शकों के एक अच्छी मैच देखने के मिलेंगे। अभी थोड़ी देर में ही रायपुर ये एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य है, यहाँ से खिलाड़ी बाहर आएंगे और ये जो बस दिख रहे हैं सामने जो तस्वीरों में, उन बसों में सवार होकर वो होटल के लिए रवाना होंगे। उसी का इंतजार है। तमाम जो खेल प्रेमी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है दूर तक, क्योंकि बैरिकेड्स लगाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तमाम जो खिलाड़ी यहाँ पहुँच रहे हैं उनके स्वागत के लिए भी लोग खेल प्रेमी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें दूर रखा गया है। सभी तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, मीडिया को भी दूर रखा गया है, दूर से ही कवर करने का ही मौका दिया जा रहा है। तो इस तरह से एक व्यवस्था किया जा रहा है। और खास बात यह है कि जो इंडिया टीम के जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव के साथ ही साथ जो तमाम
खिलाड़ी है, तेजस्वी जायसवाल की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ है, साथ ही साथ सभी खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। और ये जो जानकारी मिली है, अभी वो रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, थोड़ी देर में ही वो बाहर निकलेंगे। उसके बाद यहाँ से जो बसें तैयार कर ली गई हैं उनके लिए, ये लग्जरी बस में सवार होकर सीधा होटल के लिए रवाना होंगे। तो इस तरह से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ कर ली गई है दीपक, और थोड़ी देर में ही जैसे खिलाड़ी यहाँ बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट के बाहर, उन्हें व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से होटल पहुंचाया जाएगा, और वहां भी उनके लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से जो व्यंजन वो चाह रहे थे, छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी परोसा जाएगा, चिल्ला फरा सहित तमाम जो व्यंजन है, बाजी है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख व्यंजन है, वो दिए जाएंगे। इसके अलावा दूसरे चीज़ों की तरह तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, और खिलाड़ियों के छत्तीसगढ़ को जो मेहमान नवाजी वो भी देखने मिलेगा। और खास बात दीपक बता दें कि जो 1 दिसंबर को जो मैच होगा उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल के तमाम जो मंत्री है वो मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ सभी 90 जो सीटों पर अभी चुनाव हुए हैं उनके प्रत्याशियों को भी आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जो प्रत्याशी उनको आमंत्रित किए हैं, सभी खेल देखने के लिए मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो भी इस मैच को देखने के लिए मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर यह मैच में खासा उत्साह है मैच को लेकर लोगों में, और थोड़ी देर में ही जैसे ही जो खिलाड़ी यहां बाहर निकलेंगे और उनके लिए जो बस की तमाम जो इंतजाम किए गए हैं उसके माध्यम से वो होटल के लिए रवाना होंगे। और इस तरह से देख सकते हैं लोगों में खासा उत्साह है, और दूर दूर से लोग आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तमाम जो व्यवस्था है वो किए गए हैं, और पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं यहाँ मौजूद है, उन्हें भी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो दी जा रही है। और खास बात ये रहेगी कि जैसे ही खिलाड़ी पहुँचेंगे वैसे ही उनके लिए एक सुरक्षा घेरा के साथ उन्हें बस में सवार किया जाएगा, और उसके बाद फिर वो होटल के लिए रवाना होंगे। जी दीपक, बिल्कुल दिलीप, जिस तरह से मैच 1 दिसंबर को है, क्या कुछ रूट तय किए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, स्टेडियम में कितने लोग बैठ सकते हैं, कैपेसिटी क्या है? जी दीपक, एक बार सवाल रिपीट कीजिए। जिस तरह से 1 दिसंबर को मैच होना है दिलीप, और वहां पे क्या कुछ रूट चेंज किए गए हैं, स्टेडियम में काफी भीड़ होगी और जिलों से भी लोग पहुंचेंगे और राज्यों शहरों से भी पहुंचेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ कैपेसिटी रखी गई है स्टेडियम की? अलर्ट हो चुके हैं, और जस्ट थोड़ी देर में ही ये जो खिलाड़ी है जो वो निकलने वाला है बाहर, और वहां से सीधे जी दीपक बिल्कुल दिलीप, जिस तरह से देखा जाए ये खिलाड़ी बस पहुंचने वाले हैं, निकलने वाले हैं, जैसे कि आपने कहा उसके बाद होटल में पहुंचेंगे, 30 तारीख को ये प्रैक्टिस का सेशन रहेगा उनका। लेकिन सब जिस तरह से जो व्यवस्थाएं की गई हैं रायपुर में स्टेडियम के आसपास जो रूट्स हैं वो चेंज किए गए हैं, बदलाव किया गया है कि नहीं किया गया है, साथ ही में कितनी कैपेसिटी है उस स्टेडियम की जिसमें लोग बैठ सकते हैं, और क्या कुछ उस मैच के दौरान व्यवस्थाएं रखी गई हैं शहर में? जो दीपक बता दें कि जिस तरह से तमाम जो खिलाड़ी है थोड़ी देर में ही बाहर निकलेंगे, और उसके लिए जो दर्शक है उनके एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित है। तमाम जो क्रिकेट प्रेमी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं बड़ी तादाद में एयरपोर्ट के चारों तरफ, और क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें दूर रखा गया है, लेकिन जिस तरह की हलचल अब तेज हो गई है, थोड़ी देर में ही जो खिलाड़ी है वो बाहर निकलेंगे और सुरक्षा घेरे में ये देख ही सकते हैं ये शुरुआत हो गया है, और इंडिया टीम के खिलाड़ी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ये वीएस लक्ष्मण जी जो मैनेजिंग टीम से है देख सकते हैं, ये तस्वीर में नजर आ रही है कि खिलाड़ी अब पहुंच रहे हैं और ये बस में सवार हो रहे हैं। तमाम जो खिलाड़ी है, एक एक खिलाड़ी अक्षर रिंकू सिंह, अक्षर पटेल सहित तमाम जो खिलाड़ी है वो आना शुरू हो गए हैं और वो सवार हो रहे हैं बस में। ये जो तस्वीर में सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, लाइव तस्वीर है ये, लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अब इंडिया के जो खिलाड़ी है वो एक एक करके बस में सवार हो रहे हैं बाहर, और होटल जाने के लिए बस रखी गई है बस की व्यवस्था ये देखिए, और जो खिलाड़ी है लगातार पहुंच रहे हैं।
और ये सभी खिलाड़ी, इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाड़ी हैं जो पीछे की बस की ओर जा रहे हैं, और दर्शक खासा उत्साहित है, उन्हें अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और इस तरह से दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं, ये जो सामने की जो बस है उसमें इंडिया टीम के तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। उसके अलावा देख सकते हैं पीछे का जो बस है उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से दोनों जो टीमों के खिलाड़ी हैं वो पहुँच गए हैं और बस में एक एक करके सवार हो रहे हैं। जी दीपक, बिल्कुल जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कुछ खिलाड़ी बाहर निकले हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों चाहे वो इंडिया के हों। वीएस लक्ष्मण सबसे पहले निकले हैं और यहाँ पर देखिए तमाम खिलाड़ी निकलते जा रहे हैं और सीधा बस में पहुँचने की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू सिंह सहित तमाम जो खिलाड़ी हैं वो आ रही है। सूर्या जो चश्मा लगाए हुए हैं, सूर्या भी बस में सवार हुए, इंडियन टीम के कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वे भी बस में सवार हो चुके हैं। इसके अलावा सभी खिलाड़ी एक एक करके पहुंच रहे हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है वो जो पीछे जो वाले बस है उसमें जा रहे हैं, और जो पहले वाले बस है, दो बसें यहां लगाई गई हैं, दोनों बसों में अलग अलग जो इंडिया टीम के खिलाड़ी हैं ये सामने वाले बस में शामिल हो रहे हैं, और दूसरे जो ऑस्ट्रेलिया के तमाम खिलाड़ी हैं वो दूसरे बस में सवार हो रहे हैं। इस तरह से भारतीय टीम के तमाम जो खिलाड़ी हैं वो पहुंच चुके हैं और वो अपने सभी बारी बारी से बस में सवार हो रहे हैं। देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के भी, और उसके साथ ही साथ दर्शकों में खासा उत्साह है, उन्हें उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके नाम के साथ उन्हें हाथ देकर इशारा करके दर्शक उन्हें अभिनंदन कर रहे हैं। और सभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वो बारी बारी से बस में सवार हो रहे हैं, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे दर्शकों का मैनेजमेंट टीम के भी जो तमाम मेंबर्स हैं वो भी साथ में आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो सीधे हम एयरपोर्ट से हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। सभी, क्योंकि ये काफ़ी कड़ा मुकाबला होगा, चौथा मुकाबला होना है रायपुर में, उसके लिए जो दोनों टीमों के जो खिलाड़ी है वो पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, बारी बारी से बसों में सवार हो रहे हैं। और रायपुर के यहाँ जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से सीधे जो होटल है, निजी होटल कोर्टयार्ड मैरियट में इनकी ठहरने की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ के लिए थोड़ी देर में रवाना होंगे। और बारी बारी से सभी जो क्रिकेटर्स हैं वो बस में सवार हो रहे हैं। अब इस तरह से जो थोड़ी देर में ही बस अब यहाँ से होटल के लिए रवाना होंगे, इसके पहले देख सकते हैं खिलाड़ी जो पहुँच रहे हैं, और लगभग ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के खिलाड़ी बारी बारी से निकल रहे हैं, और उनका दर्शक चिल्लाकर हुटिंग कर उनका स्वागत भी कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं तमाम जो खिलाड़ी हैं बारी बारी से पहुंच रहे हैं, और इस बार जिस तरह से ये जो मैच होना है चौथा मैच है, तो कहीं ना कहीं इंडिया चाहेगी इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करे। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ईशान किशन अभी बस पे सवार हो रहे हैं, तो इस तरह से एक एक खिलाड़ी बारी बारी से पहुँच रहे हैं, लगभग सभी खिलाड़ी पहुँच चुके हैं। ये आवेश खान है जो रवि बिश्नोई इसके पीछे जो है सवार हो रहे हैं बस पे, तो इस तरह से इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के भी तमाम जो बड़े खिलाड़ी है वो भी पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के टीवी जो मैथ्यू हेड है उनके कैप्टन है, इसके अलावा मैक्सवेल की बात करें या ट्रेविस हेड की बात करें, तमाम जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं जो पिछले मैच में जो खेले थे वो सभी खिलाड़ी यहां पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से सभी खिलाड़ी यहां पहुंच चुके हैं और बारी बारी से देख सकते हैं ये इंडिया टीम के जो खिलाड़ी है काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, और जो BCCI की ओर से जो यहाँ रायपुर के जो प्रतिनिधि हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें और सा सम्मान बस में बिठा रहे हैं। इस तरह से सभी जो खिलाड़ी हैं बारी बारी से पहुंच गए हैं, और ये देख सकते हैं रिंकू सिंह को लेकर काफ़ी उत्साह है लोगों में, और ये अर्शदीप भी नजर आ रहे हैं। इस तरह से सभी खिलाड़ी बारी बारी से बस में सवार हो रहे हैं। इस तरह से सभी जो दर्शक हैं उनको भी खासा उत्साह है उनमें,
कि जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है, इसके पहले जो पिछला मैच हुआ था, एक मंडे मैच हुआ था यहाँ रायपुर के स्टेडियम में, वो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच ही था। अभी जो मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और जो भारत की जो मैच है, T20 मैच है, चौथा मैच है, इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है और एक अच्छा मैच की उम्मीद, यहाँ रोचक मैच की उम्मीद की जा रही है। और स्टेडियम भी जो बात करें, लगभग जो स्टेडियम की क्षमता है यहाँ की, वो 65,000 दर्शकों की क्षमता वाली स्टेडियम है। तो जिस तरह से लगातार टिकटों को लेकर मारामारी चल रही है, लोग साहित होकर खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खचाखच भरी हुई नजर आएंगे। और देख सकते हैं कि सभी जो क्रिकेटर्स हैं वो अब बसों में सवार हो चुके हैं और जो सुरक्षा के जो व्यवस्था किए हैं सुरक्षा अधिकारी भी सब अलर्ट हो चुके हैं और बस को रवानगी की को लेकर तैयारी की जा रही है। और ये बस अब अपने तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप। नजर बनाएगी, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।